टैक्स जम्मू कश्मीर के लोगों पे लगा दिया जाएगा, थोप दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध कर रही है और हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग अभी इस हालत में नहीं है कि इस तरह का कोई भी टैक्स दे सके। देखिए, हमारा ये मानना है कि 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाई, उसके बाद इस तरह की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश के अंदर बना ली गई कि लोग आज घबराए हुए हैं। लोगों के अंदर आज एक टैक्स टेरर जो है वो बना हुआ है। जिस तरह से विभिन्न टैक्सेस के द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है। हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर पिछले 30 सालों से जिस आतंकवाद के दौर से गुजरा है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत दर्द और पीड़ा सही है। उस दर्द और पीड़ा को अगर भारतीय जनता पार्टी समझती तो इस तरह ने विचार किया होता। आज भी हमें एक और तोहफा हमारी यूपी बनने के बाद दिया गया, जब इन्होंने 370 तोड़ी और हमारी स्टेट का खंड खंड कर दिया और हमें यहाँ पे यूपी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र द्वारा आज इस तरह की नीतियों का जम्मू की जम्मू इकट्ठे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एक वार्ता करते हैं और वहाँ ये सबको बताते हैं कि इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर नहीं लगेगा और फिर उसके बाद ये टैक्स लग जाता है। और आज जिस तरह से डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज ये जो कानून है जो लागू किया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ लगाया जाएगा 1 अप्रैल के बाद, का जो राइट है वो यहाँ की पॉपुलर सरकार को होता है। चुने हुए नुमाइंदे ऐसे टैक्सेस को अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। चुने हुए नुमाइंदों की नामौजूदगी में यहाँ एलजी शासन जो राज कर रहा है और बाबू रविंदर रैना जी से वो मुंह छुपाते फिर रहे थे और किस तरह से आपकी माइक को फेस नहीं कर पा रहे थे, ये वही रविंदर रैना जी है जो एक मौका भी नहीं छोड़ते हर बात पे आपसे बात करने का। तो आज जो परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र ने, उस परिस्थितियों का हम कड़ा विरोध करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले यहाँ टोल टैक्स लगाया, जीएसटी को जिस तरह से व्यापारियों पे थोपा गया, उसके बाद हमारे स्मार्ट मीटर्स द्वारा बिजली का टैक्स बढ़ा दिया गया, पानी पे टैक्स लगा दिया गया, आज प्रॉपर्टी सारी मार डाली है। हाँ, हमारा ये उन पे आरोप है कि ये जो टैक्स लगाया गया है ये सीधा सीधा जो आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि अडानी को 2000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया गया और किस तरह से एसबीआई और हमारे इवन जम्मू कश्मीर बैंक से पैसा लेके अडानी को दे दिया गया। हमारा ये मानना है कि उसी की फरमाई है जो आज सीधा भार हमारे गरीब जनता पे डाला जा रहा है। हमारा ये भी मानना है कि केंद्र जो मोदी जी है वो गरीब गरीब करके जनता के बीच में आए थे, लेकिन आज उसी गरीब को लूटने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो 450 का सिलेंडर था, आज उस सिलेंडर को 1150 का हो गया। मोदी जी उस पे बात नहीं करते। खाने का तेल 70 रुपए से उठा के आपने 110 का कर दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों को आपने आग लगा के रख दी। गरीब को आप खत्म और कुचलना चाहते हैं, आप गरीबी खत्म नहीं करना चाहते। हम आज आपके माध्यम से एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि एलजी साहब